टाइपेड न्यूज वाशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद उस्मान अली, क्राइपेड न्यूज, हैदराबाद। एसीपी गोशा महल के राम भोपाल राव की निगरानी में इंस्पेक्टर हबीब नगर पी मधुकर स्वामी और उनकी टीम ने फिर एक बार गुटखा माफिया की गर्दन दबोच ली। प्रेस नोट के मुताबिक हबीब नगर पुलिस स्टेशन का पुलिस अहलकार, जिसका नाम शिव कुमार है, उसे खुफिया इत्तला मिलने पर एक गोदाम पर रेड मारकर भारी मकदार में गुटखा जब्त किया, जिसे हुकूमत तेलंगाना ने बैन किया था और जो इंसानी सेहत के लिए जहर से कम नहीं है। और इस सिलसिले में गुटखा माफिया के दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम दिलीप अग्रवाल, उम्र 45 साल, पेशा बिजनेस साकिने मल्लेपल्ली हैदराबाद। सैयद अत्थर, उम्र 39 साल, पेशा बिजनेस साकिने शाहिनायतगंज हैदराबाद। पुलिस ने इन मुलजिमान के पास से 4 सेलफोन भी जब्त किए। एसीपी गोशा महल के राम भोपाल राव और इंस्पेक्टर हबीब नगर पी मधुकर स्वामी और उनकी जबरदस्त टीम ने इस अजीम कारनामे को अंजाम देकर यह साबित कर दिया है कि ऐसे बहादुर और काबिल ऑफिसर्स और उनकी टीम के होते हुए गुटखा माफिया हो या फिर कोई रोडी शीटर हो, अवाम को डरने की जरूरत नहीं। खासकर इंस्पेक्टर हबीब नगर पी मधुकर स्वामी ने अपने पुलिस स्टेशन हदूद में से गुंडाइज्म और रोडीज्म का जनाजा निकाल दिया और बाकी बचे कुचे गुंडे और रोडी शीटर्स अपनी दुम दबाए फिरते हैं। शेख वाहद के साथ मैं सैयद उस्मान अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हबीब नगर SHO मधुकर स्वामी उनका टीम का साथ हबीब नगर एरिया के अंदर गुटखा बेचने वाले के ऊपर राइड किया था। इस दौरान में दिलीप अग्रवाल को पकड़ा गया है, उनका घर से कुछ गुटखा पैकेट्स सीज किया है। दिलीप अग्रवाल को अख्तर बोलकर एक आदमी सप्लाई कर रहे हैं, वो अख्तर को भी हम पकड़ा है, उनका साथ से भी कुछ गुटखा पैकेट सीज किया है। टोटल एक गुटखा एक ब्रांच डिफरेंट ब्रांड्स है, तो ये पूरे 5 लाख से ज़्यादा कास्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है और कुछ आदमी भी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।